John Lilly. I'm trying to. थैंक यू वेरी मच, तुम मेरे बहुत काम आए। वैसे तुम्हारा नाम? अभय। जब भी इंडिया आओ मुझसे जरूर मिलना। डेफिनेटली। ठीक है। तुम्हारी वजह से कितना टेंशन हो गया था मुझे। अरे मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रखी। तुम्हें कितना प्यार करता हूँ आरती, मुझे समझो। देखो आरती, आज के बाद ऐसा तो कभी नहीं करोगी ना आरती। देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, अरे मुझे समझो आरती। भाई अगर इसे बस में रखना है तो इसके अंदर हमारा डर होना बहुत जरूरी है। अरे भाई भाई क्या करें। जैसे तुझे ढूंढ निकाला वैसे ही तेरे माँ बाप को भी ढूंढ निकाला। ये खबर मुझे मिली कि तेरे माँ बाप पुणे में रहते हैं, ये अभय ने बताया। अब तेरे माँ बाप की जिंदगी तेरे हाथ में है, अब तो चुपचाप बिना नाटक किए पांडू से शादी कर ले। अगर कोई होशियारी की तो उन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। ए, इसे घर की बहू किस तरह बनकर रहना है कल तक सिखाओ इसको। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम दोनों को काट कर पांडू की शादी की मुहूर्त में मैं किसी और औरत से शादी कर लूंगा, इस बात का ख्याल रखना। समझ गई? चलो रे। भाई क्या है? कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। अंदर भेजो उसको। नहीं मालूम भाई। वैसे उस काम का क्या हुआ? सब कुछ हो चुका है भाई। काफी टाइम हो चुका है। नमस्कार सर।
अबे कैसे हो तुम? तुम ठीक हो ना बे? अच्छा सर। ए पांडू, हाँ? क्या देख रहा है तू? अरे वही है, जब हम आरती को लेने गए थे तो इसने हमारी बहुत मदद की थी। अरे यही है वो। ये अरे, अरे अरे क्या कर रहे हो? ए, छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी आरती मिल गई। ओके ओके ठीक है। क्या लुक है, क्या बॉडी है, क्या पर्सनालिटी है। ऐसी बॉडी, ऐसा लुक और ऐसी पर्सनालिटी देखकर उस लड़के ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो तो पागल है। रियली शी इज मैड यार। वैसे ये बताओ, हा? तुम इतनी दूर आए कैसे? पैसों की जरूरत पड़ी क्या? अरे बॉडी क्यों दिखा रहे हो? सर, आपके भाई के बॉडी की तरह ही आपकी बॉडी है, लेकिन जरा मेरी बॉडी भी तो देखो ना। देखिए सर, देख लीजिए ना सर, सिक्स पैक कट वाली बॉडी को फैमिली पैक बॉडी बना के रख दिया, मैं क्या करूं सर? कौन? दूसरा और कोई नहीं, और कोई नहीं हो सकता सर, आरती का लवर। सर आरती का लवर? आरती का लवर भी है? ये तो मुझे भी मालूम नहीं था सर, लेकिन जब मैंने आपको उसका एड्रेस दे दिया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैं आपको क्या बताऊं सर, उसने मेरी पूरी हालत कर डाली। उसने मुझे सिर्फ मारा ही नहीं सर, बल्कि मुझे इंडिया का टिकट दिलवाकर 10,000 रुपए साथ में देकर आप लोगों से ये खास बात बोलने के लिए कहा है। क्या बोलने के लिए कहा है? आरती की शादी आपके भाई के साथ नहीं हो सकती है। क्या बोल रहा है? ऐसा उसने बोला है सर, और उसने ऐसा भी कहा है कि आरती और पांडू की जब शादी होगी तब वो उससे शादी करेगा। ऐसा मैं नहीं सर, वो बोला। तुम लोग आरती को डरा कर धमका कर उठा कर तो ले आ गए, लेकिन मैं उसे यहाँ से तुम लोगों की नजरों के सामने से यहाँ से उठा कर लेके जाऊंगा। उसको मैं काट कर रख दूंगा। छोड़िए सर, मेरा बनियान तो छोड़िए, और भी बोलना बहुत बाकी है सर। उसने बोला कि आपने आरती को जितनी तकलीफ दी है उतनी मैं पूरी आपको दूंगा सर, बस इतना ही बोलना बाकी था सर। वो तो मैं इमोशनली बहुत ज्यादा ही बोल गया था सर। नाम क्या उसका? नाम तो मुझे नहीं पता सर। देखने में कैसा है वो? हाँ, मेरी हाइट, मेरा लुक, मेरी पर्सनालिटी, सेम फिजिक है सर, लेकिन वो मुझसे भी स्ट्रांग है सर। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? क्या सर, मैं उसे मार खा चुका हूँ, उसकी सारी बातें आपको मैंने बता दी, और फिर भी आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि क्या तुम उसको ठीक से पहचान सकते हो? क्या आप मुझे उसके सामने तो लेकर जाओ, उसका फेस कट तो मेरे दिमाग में जेरोक्स की तरह छप गया। चले क्या? कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। क्यों सर? उसको वहीं पर काट डालेंगे। सर जब उसने बोला है कि वो यहाँ आकर आप लोगों को मारेगा, तो फिर क्यों आप लोग खर्चा करके उधर जाके उसकी मार खाने की सोच रहे हो यार? वैसे ये बात ठीक है सर, लेकिन उस लड़की की सिक्योरिटी ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि वो लड़का उसी के लिए आ रहा है सर। उसे बहुत बंदोबस्त के साथ एक बंद कमरे में रखा गया है, अगर वो कमरे में खांसेगी भी तो उसके खांसने की आवाज बाहर नहीं जाएगी। क्या सर, इतनी स्मार्ट लड़की है तो उसे आपको बाहर घूमने देना चाहिए, और आप उसे रूम में बंद करने की बात कर रहे हैं। इस पांडू को देखते उसका खून खोलने लगता है। अब मैं आ गया हूं ना सर, अब आप फिक्र करना छोड़ दीजिए। मतलब सर, वो लड़की तो पांडू के पीछे कुत्ते की तरह घूमनी चाहिए। आप देखिए सर, वैसे आरती है कहाँ पे? ऊपर। मैं जरा ऊपर सिक्योरिटी चेक करके आ सकता हूँ क्या? जाओ, जल्दी जाओ। देखा कितना अच्छा लगा। चलो चलते हैं यहाँ से। बकवास मत करो, प्यार का यकीन दिला के तुम मुझे यहाँ पहुँचा दोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आखिर ये ढोंग मेरे साथ क्यों किया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कोई भी ढोंग नहीं कर रहा हूँ, तुम अब तक कुछ नहीं जानती। तुमने तो सब कुछ बता दिया, क्या अब मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊं? यहां सामने देखो, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये कौन है पता है तुम्हें?
ये मेरी माँ है। जब मेरे पापा के एक्सीडेंट में मौत हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे पाला था। मेरी माँ ने एज ए लॉयर बहुत सारे केसेस हैंडल किए थे। उसने हमेशा इंसाफ को ऊंचा रखा, काफी सारे लोगों को इंसाफ भी दिलाया। मेरी माँ तो सभी को बहुत पसंद थी और भगवान को भी, इसलिए भगवान ने उसे बहुत जल्दी ऊपर बुला लिया। बारह साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तब मैं उसका हाथ पकड़कर बोल रहा था, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ ने दम तोड़ते हुए मुझसे कहा, डर को तुझे देखकर डर लगना चाहिए, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम अभय रखा। जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसलिए जब तक जियो हिम्मत से जियो, न्याय से जियो। उस दिन से वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई। उसके बाद जब भी कोई शख्स डर लेकर मेरे सामने आता है तो मुझे उस पर चिढ़ हो जाती है, उस पर गुस्सा आ जाता है। अब जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लड़की अपनी जिंदगी में डर डर कर जी रही है, तो मैं कैसे उसके साथ रह सकता हूँ और कैसे शादी कर सकता हूँ? लेकिन तुम्हारा डर देखकर, तुम्हारे अंदर जिन जिन का डर था, मैंने उन्हें वहीं पर बुला लिया। मैं चाहता तो उन्हें वहीं पर मार सकता था, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं आता था। मैं उन्हें उन्हीं के गांव में उन्हीं के बीच में रहकर पागल कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहां आने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास माँ बाप तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास होते हुए भी ना होने जैसा है, इसलिए मैंने उन्हें भी बुलवा लिया है। मैं उनके सामने रहकर तुमसे शादी करके दिखाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हीं के साथ सारी जिंदगी गुजारूंगा। तुम्हें मैं कहीं दूर नहीं ले जाना चाहता, दुश्मन के घर पर मैं राजा की तरह आया हूँ। मैं अपना मकसद पूरा करके दिखाऊंगा। हमारे दिल में इन लोगों का कोई खौफ नहीं होगा, बल्कि उनके दिल में हमारा खौफ होना चाहिए, और मैं जो कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा, तुम्हारी कसम। दुश्मन से अगर बदला लेना है तो इस तरह से लो कि उसकी रूह कांप उठनी चाहिए, और फिर कभी दुश्मनी करने से पहले हजार बार सोचे। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों की शादी इन लोगों के सामने मैं कर दिखाऊंगा, और ये लोग हमारा बाल भी नहीं बाका कर पाएंगे, और ये मेरा तुमसे पक्का वादा है। अब बोलो आरती, मैंने गलत क्या किया?